नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजपाल सिंह और स्वागत है आपका फिर से द अमेजिंग में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही लाजवाब जो है चीज़ बताने जा रहा हूं, बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो मैं बताने जा रहा हूं। जो भाई मेरी डिज़ाइनिंग करते हैं, एल्बम डिज़ाइन करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने क्रिएट की है दोस्तों, उस चीज़ के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गंवाते हुए मैं बताता हूँ आपको कि मैंने वो चीज़ क्या क्रिएट की है और कैसे उसको यूज़ में लेना है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा देखें अगर आपको उस चीज़ को समझना है तो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गंवाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि वो चीज़ क्या है और क्या बनाया है नया मैंने आप सभी भाइयों के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस टाइम पे फोटोशॉप CS6 का उपयोग जो है वो कर रहा हूँ और जो मैंने चीज़ बनाई है वो फोटोशॉप CS6 में ही चलती है। जिन भाइयों के पास फोटोशॉप CS6 नहीं है और वो अपर वर्जन में यूज़ लेते हैं तो ये जो चीज़ है वो उनके वर्जन में नहीं चलेगी, इसको फोटोशॉप CS6 में ही चलाना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले ही क्लियरली बता देता हूँ वीडियो देखने से पहले ही। तो चलिए दोस्तों, मैंने क्या बनाया है, मैंने एक पैनल क्रिएट किया है दोस्तों एल्बम मास्टर के नाम से, जिसका यूज़ करके आप बहुत ही जल्दी से जल्दी मैन्युअली डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं, अपने खुद के बैकग्राउंड्स बना सकते हैं उससे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक्सटेंशन कहाँ से खुलेगा वो बता देता हूँ। ये विंडोज़ में जा कर के एक्सटेंशंस में जाएंगे, यहाँ एल्बम मास्टर करके ये जो है एक पैनल क्रिएट किया गया है। ये देखिए दोस्तों, इस साइड में ये पैनल खुल गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूंगा कि ये जो बनाया गया है वो द अमेजिंग जो उसके द्वारा बनाया गया है, जो कि मैंने क्रिएट किया है खुद ने। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका पहला जो बटन है वो किस चीज़ का है। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, न्यू पेज 12x18 इंच का नया जो पेज है वो बन जाएगा 250 की DPI पे। ये देखिए दोस्तों, 250 आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है और जो नीचे वाला सेकंड बटन है उसमें भी लिखा हुआ है न्यू पेज 12x36x250। और तीसरा जो बटन है दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है ओपन एंड फिट फोटो इनबॉक्स। जो आपकी शीट के अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर आप फोटो ओपन करेंगे, इस बटन पर क्लिक करने के बाद में ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उससे वो फोटो जो है आपके बॉक्स में फिट हो जाएगी। फिर है दोस्तों, चौथा जो बटन है वो है इसमें फिट ओपन्ड फोटो, मतलब जो आपने फोटोज खोल रखी है स्क्रीन पे उसको भी आप फिट कर सकते हैं बॉक्स में जो आपने सेलेक्ट कर रखा है। ये स्वैप लेयर है दोस्तों, एक स्वैप फोटो है दोस्तों, ये बटन है, आप इधर की फोटो इधर कर सकते हैं दोस्तों, इससे मतलब फोटो को स्वैप करवा सकते हैं कि अगर ये फोटो यहाँ नहीं चाहिए तो दूसरी जगह चाहिए तो वो यहाँ आ जाएगी और दूसरी फोटो उसकी जगह चली जाएगी। इसके बाद में दोस्तों, स्प्लिट लेयर का ऑप्शन है कि आपके जो कुछ इमेजेस में कुछ JPG फाइलें होती हैं जिनमें सिर्फ बॉक्सेस जुड़े हुए रहते हैं, चार बॉक्स हैं तो वो जुड़े हुए हैं तो उनको अलग अलग कैसे करना है, उसके लिए स्प्लिट लेयर है दोस्तों। ये न्यू फिल लेयर बनाने के लिए दोस्तों, ये फेदर दिया गया है दोस्तों, अगर फेदर देना है तो आप यहीं से दे सकते हैं। यहाँ तीन टूल दिए हैं दोस्तों मैंने, एक मूव टूल है, एक जो है एलिपिकल मर्क्यूरी टूल है और तीसरा जो टूल है वो रेक्टेंगल मर्क्यूरी टूल है। और मैनुअल कन्वर्ट JPG टू PSD, आप सिलेक्शन बनाइए PSD के सभी JPG के सभी बॉक्सेस का और इस पर क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपको PSD कन्वर्ट कर देगा उसमें। ये रोटेट लेयर के लिए है और ये फ्लिप लेयर के लिए है ओरिजेंटली, ये फ्लिप वर्टिकली के लिए है और ये है फ्लिप कैनवास ओरिजेंटली और ये है फ्लिप कैनवास वर्टिकली। तो चलिए दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया आपका, अब मैं आपको बनाना बताता हूँ कि कैसे किस तरीके से आप नया डिज़ाइन अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दोस्तों मैंने एक न्यू पेज 12x36 पे क्लिक किया तो ये 12x36 विद सेंटर गाइडलाइन के साथ जो है मेरे पास यहाँ आ गया है। तो मैं थोड़ा सा पैनल को यूँ कर लेता हूँ दोस्तों और यहाँ पे इसको मैच कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 12x36 की जो है वो इमेज जो है मैंने डाउनलोड। अब एक न्यू फिल लेयर बनानी है, न्यू फिल लेयर कैसे बनेगी दोस्तों, मैंने पेजेस तो बना लिए हैं यहाँ से, अब आएगा न्यू फिल लेयर, क्योंकि कोई फिल लेयर फिल हो करी हुई होगी, कोई लेयर होगी यहाँ पे, जब ही तो आप उसमें फ़ोटो जो है वो सेंड कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, यहाँ से आपने जो भी जितना भी सिलेक्शन बनाया है वो बना लिया है, उसके बाद में न्यू फिल लेयर पर क्लिक कर देना है दोस्तों। ये न्यू फिल लेयर बन गई है, आप लेयर पैनल को खोल करके रखेंगे तो आपको यहाँ पे एक न्यू लेयर बन जाएगी, ये द अमेजिंग के नाम से, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हमें क्या करना है,
मैं इस लेयर पैनल को भी इधर सेट कर देता हूँ दोस्तों, और इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ ताकि दोनों तरफ से अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अच्छी तरह समझने के लिए आप इसको जो है बिल्कुल इसका पूरा वीडियो देखें दोस्तों। तो दोस्तों अब जो दोस्तों हमारा बॉक्स जो है वो रेडी हो गया है। अब दोस्तों इसमें दो तरीके से आप फोटो जो है फिट कर सकते हैं, पहला है ओपन एंड फिट फोटो इन बॉक्स, एंड दूसरा है कि अगर आपके पास कोई खुली हुई फाइल है तो आप उसको भी जो है फिट करवा सकते हो दोस्तों इस बॉक्स के अंदर। तो चलिए दोस्तों पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये फोटो ओपन के लिए मांग रहा है दोस्तों। यहाँ से मैंने एक फ़ोटो जो है वो यहाँ से ये ओपन कर ली है दोस्तों, ये फ़ोटो मेरी ओपन हुई है दोस्तों। और ये फ़ोटो देखो मेरा पीसी थोड़ा जो है जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत छोटा है पीसी का, इसलिए फ़ोटो फिट होने में थोड़ा टाइम लग गया। ये देखिए दोस्तों ये फ़ोटो बिल्कुल फिट हो गई है, हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, डायरेक्ट फ़ोटो फिट हो गई है। तो चलिए दोस्तों ये तो थी एक लेयर, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर वापस रेक्टेंगल टूल से एक जो है बॉक्स और रेडी कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल टूल से बॉक्स बनाया और यहाँ से न्यू फिल लेयर पे क्लिक कर दिया, तो ये फिल लेयर वापस से बन गई है दोस्तों। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, एक फ़ोटो ओपन कर लेनी है। जैसे कि आपने एक फ़ोटो ओपन कर रखी है, जैसे मैंने ये फ़ोटो ओपन कर रखी है दोस्तों, और इसको मुझे अगर फिल करना है किसी बॉक्स में तो उसको कैसे करना है। ओपन फोटो को फिल करने के लिए ये वाला जो बटन है इस पर क्लिक करना है दोस्तों, ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये ओपन जो फोटो थी वो जा करके जो है फिट हो गई है। तो चलिए दोस्तों ये चार जो बटन थे इनके बारे में मैंने आपको नॉलेज दे दी है बिल्कुल परफेक्टली। और अब जो बटन है दोस्तों वो है स्वैप फोटोज। देखो स्वैप फोटोज का मतलब ये होता है कि ये फोटो यहाँ चली जाए दोस्तों इस जगह, और ये इस जगह आ जाए। तो इसको करने के लिए क्या करना है दोस्तों, जो भी लेयर है उसको सिलेक्ट कर लें, फिर उसके साथ शिफ्ट का यूज़ करते हुए दूसरी लेयर को जो है सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से दोनों लेयर्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, उसके बाद में आपको स्वैप फोटो जो है बटन उस पर क्लिक करना है दोस्तों, और फोटो जो है बिल्कुल स्वैप हो जाएगी और बड़े साइज में स्वैप होगी दोस्तों। तो ये स्वैप हो गई है दोस्तों। अब दोस्तों नया जो बटन है, ये आगे का जो बटन है, ये स्प्लिट लेयर। तो स्प्लिट लेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे और यहाँ पे ये दो मैंने सिलेक्शन बनाए और न्यू फिल लेयर बना दी। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों बॉक्सेस जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं एक ही लेयर में। तो इनको अगर अलग अलग करना है दोस्तों तो स्प्लिट लेयर पे हम जा कर के क्लिक कर देंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों स्प्लिट लेयर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया दोस्तों, तो उसने अपना जो काम है वो स्टार्ट कर दिया और इनको एक लेयर की बजाय ये दो लेयर में कन्वर्ट कर दिया है दोस्तों। ये देखिए मैं मूव टूल ले लेता हूँ, ये देखिए दोस्तों एक लेयर की बजाय दो लेयर में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप स्प्लिट लेयर भी कर सकते हो। न्यू फिल लेयर के बारे में मैंने बता दिया है दोस्तों। अब चीज़ एक और बता देता हूँ दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्शन बना लिया है, ठीक है, उसके बाद में आप फेदर दे सकते हैं दोस्तों इसको, जैसे 100 का फेदर हमने दिया है यहाँ से फेदर वाले बटन से। और जब अब आप अगर न्यू लेयर क्रिएट करेंगे दोस्तों, तो वो जो न्यू फिल लेयर आपकी जो होगी वो फेदर्ड लेयर होगी दोस्तों। और अगर आप इसमें कोई फोटो जो है इसके अंदर इंसर्ट करवाएंगे दोस्तों, तो वो फेदर्ड ही लगेगी। तो उसको इंसर्ट करवाने के लिए यहाँ से ओपन एंड फिल के ऑप्शन पर मैंने यहाँ क्लिक किया दोस्तों, और यहाँ से मैं एक फोटो जो है वो फिल करवा देता हूँ इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों ये वाली जो फोटोज हैं, यहाँ से ये फोटो यहाँ फिल करवा देता हूँ। मैंने एक फोटो सेलेक्ट कर लिए, ये फिल हो गई है। ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल फेदर्ड में फिट हुई है, इसलिए दोस्तों ये फेदर का बटन दिया गया है, ये फेदर्ड में ये फोटो फिल हो गई है। आप इसको और नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करके मूव भी कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों तो फेदर तक समझा दिया, ये टूल्स तो आप समझ सकते ही हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्या है, अब हमारे को एक जेपीजी बनी हुई जो चीज़ है उस पर वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम एक जो है फाइल जो है ओपन कर लेते हैं दोस्तों, बना हुआ जो एल्बम है उसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम इससे इस शीट को ओपन कर लेते हैं। तो इस शीट को ओपन करने के बाद में ये जो मैनुअल कन्वर्ट जेपीजी टू पीएसडी है ये कैसे होगी, ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों हमें इस तरीके से जो है यहां पे पहले सिलेक्शन बना लेना है दोस्तों इस तरीके से, फिर ये जो है
कि अलग अलग बॉक्सेज का जो है वो सिलेक्शन बना लेना इस तरीके से। जैसे ये मैं रफली थोड़ा सा बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि हमने सिलेक्शन बना लिया है, कन्वर्ट अगर हम करेंगे तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग बॉक्सेज में कन्वर्ट हो करके हमें जो है अलग अलग लेयर्स जो है वो मिल जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, ये अलग अलग लेयर्स जो है हमें मिल गई हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी जेपीजी टेम्पलेट को पीएसडी में। और ये है दोस्तों लेयर को रोटेट करने का, ये जो नेक्स्ट बटन है ये लेयर को रोटेट करने का। ये देखिए दोस्तों, ये पूछ रहे हैं कि कौन से में रोटेट करना है। तो यहाँ जैसे ही हम क्लिक किया वैसे ये पूछ लेंगे कि कितने एंगल पे रोटेट करना है। तो आप रोटेट यहाँ से कर सकते हैं, जैसे 90 डिग्री किया तो 90 डिग्री रोटेट हो गया। तो ये तो था दोस्तों लेयर के बारे में। इसी तरीके से आप लेयर को फ्लिप कर सकते हैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और यहाँ से कैनवास को। तो जैसे मैं कैनवास को हॉरिजॉन्टली फ्लिप करके दिखा देता हूँ कि देखिए दोस्तों पूरा कैनवास इधर से इधर फ्लिप हो गया और वर्टिकली भी फ्लिप हो गया। इस तरीके से आप लेयर्स को भी जो है फ्लिप कर सकते हैं दोस्तों। ये वाला बिल्कुल मैंने वापस से सही कर दिया है। तो दोस्तों जिस किसी को भी ये पैनल परचेज करना है, खरीदना है पैनल, ये बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे ये पैनल मिल रहा है दोस्तों। इससे आप न्यू बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं अपने, और एल्बम बहुत ही जल्दी आप क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको पीएसडी किसी पीएसडी टेम्पलेट में अगर आपको फ़ोटोज़ फिलअप करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पीएसडी टेम्पलेट यहाँ ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, जैसे ये पीएसडी टेम्पलेट दोस्तों मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। तो मैं इसमें से ये फ़ोटोज़ जो है ये हटा देता हूँ दोस्तों, फ़ोटोज़ मैंने हटा दी हैं दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल क्लियरली मैंने इसको कर दिया है दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों मैंने सारी फ़ोटोज़ जो हैं वो हटा दी हैं पीएसडी फाइल्स की जो पहले से लगी हुई थी। दोस्तों ये पीएसडी फाइल है, अब इस पर वर्किंग कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। टेम्पलेट पे वर्किंग कैसे करना है, पहले से बने हुए आपके जो टेम्पलेट हैं उस पर कैसे वर्क करना है। तो ये दोस्तों लेयर आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ से ये लेयर सेलेक्ट की मैंने, ओपन एंड फिट फोटो यहाँ पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर आपको फ़ोटो जो है वो कोई सी भी यहाँ से जो है फ़ोटो आपको सिलेक्ट करनी है दोस्तों। जैसे ये फ़ोटो लगानी है तो इस फोटो को आप सिलेक्ट करेंगे, ये फ़ोटो ओपन होगी और ऑटोमेटिकली आपके फोल्डर में जो ये फ़ोटो है आपकी शीट के अंदर जो बॉक्स था उसमें चली गई। सेकंड जो है वो सिलेक्ट करना है दोस्तों आपको, और ओपन एंड फिट फोटो पे क्लिक करना है। ये सेकंड फ़ोटो आपकी जो है वो चली गई। अब आपको दोस्तों एक जो है वर्टिकल फ़ोटो जो है वो लेनी है आपको, यहाँ पर आप इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर यहाँ पे क्लिक करना है आपको ओपन एंड फिट। यहाँ पे आपने क्लिक किया, जैसे कि आपको ये वाली फ़ोटो जो है ये यहाँ पे फिट करनी है, तो ये वाली फ़ोटो जो है वो आपकी यहाँ फिट हो गई है दोस्तों। ये देखिए, इसमें आपको छोटा बड़ा कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये वाला लेयर सेलेक्ट की ओपन एंड फिट फ़ोटो, इसमें भी जो है वर्टिकल फ़ोटो जो है वो लगेगी, तो वर्टिकल फ़ोटो आपकी यूँ फिट हो गई है। ये देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी छोटा बड़ा कंट्रोल टी करके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी लेयर सेलेक्ट करनी है, ओपन फोटो एंड फिट पे क्लिक करना है। जो भी आपकी फ़ोटोज़ होगी वो ऑटोमेटिकली बॉक्स के साइज के हिसाब से फिट हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी है आपकी लेयर उस पर आप इसको लगा देंगे दोस्तों। ये उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके साइज़ को छोटा कर लेगा। ये देखिए दोस्तों, पूरी शीट तैयार हो गई, और कितनी जल्दी शीट तैयार हो गई है। अब आपको लगता है कि दोस्तों इस लेयर को यहाँ लगाना चाहिए था और इसको मेरे को यहाँ लगाना था, तो आप स्वैप भी करवा सकते हैं। ये दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया दोस्तों, शिफ्ट के साथ लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे आप दोस्तों दोनों को, और फिर उसके बाद में स्वैप फोटोज़ पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो ये वाली फ़ोटोज़ यहाँ आ जाएगी, ये वाली फ़ोटोज़ यहाँ आ जाएगी दोस्तों, और ये वाली फ़ोटोज़ यहाँ चली जाएगी। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, फ़ोटोज़ बिल्कुल स्वैप हो गई हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस पैनल का यूज़ करते हुए अपने बनाए हुए टेम्पलेट्स पे भी जल्दी से जल्दी काम कर सकते हैं फटाफट, और दोस्तों नए टेम्पलेट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टेम्पलेट आपको जो टेम्पलेट पे वर्किंग करनी है वो भी आप इससे कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो एल्बम मेकर पैनल है इसको अगर परचेज़ करना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है,
दोस्तों आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं और आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो एल्बम मेकर का जो पैनल है, एल्बम मास्टर करके जो पैनल है मेरा दाई इमेजिंग का, ये बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में है दोस्तों। प्राइस मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ दोस्तों, आप मुझे कॉल करें या व्हाट्सअप करें तो मैं आपको प्राइस बिल्कुल बताऊँगा। और अवेलेबल रहेगा दोस्तों, इसको जो डाउनलोड कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और इसको रजिस्ट्रेशन इसका जो रहेगा वो कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये पैनल अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं कोई भी नई चीज़ क्रिएट करूँ, कोई भी नई थिंग क्रिएट करूँ तो उसके बारे में आपको पता चल सके, आपको नई वीडियोज़ के बारे में, आने वाले नई वीडियोज़ के बारे में पता लग सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।